শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। হে ভাগবত স্বরূপম ইয়ম ব্রব্রজন্ত মনুপেত মপেত কৃত্যম দৈপায়ন বিরহকা তর আজুহাব উত্রেতি তন্ময়তয়া তরোভিনেদো তম সর্বভূত হৃদয়ম মুনিমানতোস্মি নারায়ণম নমস্কৃত্যম নরম চৈব নরোত্তমম দেবীম সরস্বতীম ব্যাসম ততো জয়ামুদীরেত। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্ত বৃন্দ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। হরির্নাম হরির্নাম হরির্নামৈব কেবলম কলৌ নষ্টৈব 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 গতিরন্যথা। শ্রী শ্রী মৃগরাঙ্গ গান্ধবিকা গিরিধারী রাধা বৃন্দাবন চন্দ্র এবং আমাদের পরম পূজ্য পার্শ্ব শ্রী শ্রী বাবা মহারাজ এবং তথা শ্রী শ্রী রাম বৈরাগী বাবা মহারাজ এবং সমস্ত সন্তকে চরণে অনন্ত কোটি সাষ্টাং ধন্যবাদ প্রণাম নিবেদন করতাম। এই দামোদর মাসে ভগবান কি পাবন লীলা চরিত্র শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ কে মাধ্যম সে হমকো শ্রবণ ও কীর্তন কি সৌভাগ্য প্রাপ্ত হো রা হ্যায়। বাবা মহারাজ জি কে আজ্ঞা সে বাণী কো পবিত্র করনে কে লিয়ে ভগবান কি কুছ লীলা কীর্তন করেঙ্গে। हम श्रवण कर रहे थे भगवान जो यशोदा मैया ने ठाकुर कृष्ण को उखल से बांध दिया और भगवान ने दोनों जो कुबेर का जो पुत्र थे उनका उद्धार किया। जो नारद जी को देख कर भी उन्होंने वस्त्र नहीं पहना तो नारद जी बोले वृक्ष जोनी को प्राप्त हो जाओ। नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बने थे दोनों। नारद जी एक अच्छा बात बताए नारद जी महाराज कि जो शरीर मनुष्य शरीर को इतना लोग भूदेव नरदेव आदि बहुत प्रकार के संबोधन करते हैं, शरीर का गति क्या होता है? अंतिम गति शरीर का अंतिम गति होता है अगर जलाया दिया जाता है तो राख बन जाता है और कुत्ता सियार खा जाता है तो उसका बिष्ठा बन जाता है, अगर सड़ जाता है तो कीड़ा बन जाता है। शरीर का तीन ही गति होता है और चौथा गति होता है कीड़ा बनता है नहीं तो भस्म बनता है नहीं तो पशु पक्षियों का विष्ठा बन जाता है। ये शरीर के लिए जो लोगों को दूसरों को द्रोह करता है हिंसा करता है तो ऐसे लोगों को जो धन अभिमान से जो ऐसा करते हैं मैं नष्ट कर दूंगा। तो भगवान ने उनका उद्धार किया। भगवान बोले जो समदर्शी महापुरुष होते हैं और जो मुझ में अपने हृदय को समर्पण कर दिया है अपने आप को मुझ में अर्पण कर दिया है ऐसे साधु संतों का दर्शन हो जाता है तो और भव बंधन नहीं रहता है। संतों का दर्शन से ही परम कल्याण हो जाता है। कथा श्रवण तो आगे की बात है दर्शन से ही कल्याण हो जाता है। और संत अगर महापुरुष किसी को प्रेम भरी करुणा भरी दृष्टि से देख दिया तो उसका कल्याण सुनिश्चित है। भक्ति महारानी भी बोली है नारद जी को सुरर से तुम ही धन्यो सी मधुभाग्ये न समागत साधुनम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। भक्ति महारानी बोले हमने श्रवण किया था नारद जी को हे सुरर्षि हे देवर्षि आपका जो दर्शन बड़ा बड़ा भाग्य से आपका दर्शन मिला है
और आपका दर्शन से क्या होता है, संतों का दर्शन से साधुनम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम, सर्व सिद्धि हो जाता है। सर्व सिद्धि मतलब भगवान में भक्ति होता है, प्रेम होता है। इस प्रकार यमल अर्जुन उद्धार की कथा हमने श्रवण किया। यमल अर्जुन ने नरकुबेर मणिग्रीव ने भगवान का स्तुति किया, बड़ा सुंदर स्तुति किया, हमने श्रवण किया। तो इसीलिए जो दामोदर मास है, दामोदर मास जो दामोदर लीला हुआ था इसी महीने में, और इसलिए इसका हमारे व्यासदेव भगवान ने बड़ा सुंदर स्तुति किया है भगवान का। दामोदर अष्टकम थोड़ा कीर्तन करेंगे फिर कथा आगे। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लचत कुंडलम गो भोले ब्रजमानम यशोदाभियोलो खलब्धावमानम परामृष्टमात्यम तत्र द्वितीय गोप्या रुदन्तमहो नेत्र युग्मं रुजन्तम् करम्भोज युग्मेन सातङ्क नेत्रम् मूर्ध्वसकम्प तीर्थाङ्क कण्ठम् सिताग्रैव धाम दलम् भक्तिपदम् इति दृक्ष्वलीला भिरानन्दकुण्डे सोगसां निमोजन्त माख्यापयन्तम् तदीय सीताजु भक्तिर्जिता पुनः प्रेम तस्तम सता वृत्ति पंदे वरम देव मोक्षम न मोक्षावधि न चमृणे हम बरे सदपीह इदम देव पूर्णाथ गोपाल बारम सदा में मन शावी रस्तम किम आने इदम ते मुखाम भोज मव्यक्त नील भूतम कुंतल स्निग्ध रक्त गोप्य मोहचुंबित बिंब रक्ताधरम मे मनस्या विरास्ता मलम लक्ष्य लाभ नमो देव दाम दरानंत विष्णु प्रसिद प्रभु दुख जलाब्धि मग्नम कृपा दृष्टि पृष्टाति दीनं बतानु गृहणे समामज्ञ मेध्य की दृश्य कुबेरात्मज बद्ध मृत्येव जद्वत् त्वयामचितो भक्ति भाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं शोकामे प्रयच्छ नमस्ते ग्रहो मेष्टि दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने पुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायत विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाई त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तोभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लचत कुंडलं गोकुले व्रजमानं राधा दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर। ये दामोदर मास की बड़ा महिमा है, और इस महीने में जो दीप दान का बड़ा महिमा हमारे बाबा महाराज जी ने बताए, और जो जो कई जो सुखा तुलसी की लकड़ी से रुई लगा करके और घी से डुबा करके आरती करते हैं उनका बहुत बड़ा महिमा ऐसा बताया गया है। जो भी हो, इस प्रकार भगवान सुंदर लीला करते हैं, सबको आनंद देते हैं। और ठाकुर जी गोपियों गोपियों के पास जाते हैं। एक गोपी दधी मंथन कर रही थी, ठाकुर जी गए, बोले गोपी थोड़ा माखन खिला दे, मोहे माखन खिला दे। गोपी बोली अभी तो माखन निकलने को टाइम लगेगा, पहले तो गाना पड़ेगा, गीत गाना पड़ेगा तभी माखन मिलेगा। तो गीत गाया ठाकुर जी गुनगुन करके 3 साल के, और दे अभी दे दे, मैंने तो गीत गाया अभी दे दे। ना ऐसा नहीं, नाचना पड़ेगा फिर गाना पड़ेगा तभी मिलेगा। तो ठाकुर जी नाचते हैं,
नाचना तो आता नहीं, थोड़ा बहुत नाचते हैं और गीत भी गाते हैं। अभी दे दे मक्खन, नहीं बजाना भी पड़ेगा, बजाना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, गाना भी पड़ेगा, तभी मक्खन मिलेगा। ताली बजाया और नृत्य का अभिनय किया, गीत गाया, अभी दे दे मक्खन। तो गोपी बोली, बोली अभी तो थोड़ा मक्खन निकले को देरी है, थोड़ा छाछ पी ले, खट्टी छाछ थोड़ा पिला दिया। और ठाकुर जी बड़ा मुंह बनाया खट्टी छाछ पी के, फिर गोपी ने अपने गोद में बैठा करके ताजा मक्खन खिलाई। लेकिन कहते हैं ब्रज का जो भक्तों का द्रव्य को भगवान बड़ा प्रेम से आरोपते हैं, भक्तिर द्रव्य में काड़ी काड़ी खाय कुटी है भक्तिर उलट ना चाहे, भक्तों का द्रव्य बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए खट्टी छाछ को भी ठाकुर जी प्रेम में पीते हैं। कहते हैं तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनक पिवा देरी, तो तेरे छाछ बड़ा मीठी लगते है थोड़ा पिला दे। इतना प्रेम से ठाकुर जी बड़ा भक्तों का द्रव्यों का प्रेम से आरोपते हैं। और गोपियां सारे अनंत ब्रह्मांड सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र को जो अपने इशारे से नचाते हैं भगवान, उन्हीं भगवान को गोपियां कठपुतली की तरह नचाती है। गोपी कहती अरे काना पीढ़ा ले, उठा लेके आ, ठाकुर जी पीढ़ा लेके आते हैं, वो जो भजन करने वाला दो सेरी पंसेरी लेके आ, आधा किलो एक किलो तक तो लेके आ जाते हैं, उससे ज्यादा उठा नहीं पाते हैं ठाकुर जी। जिनका रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड है वो दो किलो का वजन उठा नहीं पाते हैं, पांच किलो का उठा नहीं पाते हैं। तो गोपी बोली अरे तू इतना मक्खन खाता है हमारा घर में चोरी करके, तेरा कुछ भी ताकत नहीं है। तो ठाकुर जी बाउसपोट करते हैं, जैसे पहलवान जैसा दिखाते, नहीं हमें कमजोर नहीं हूं, ऐसा बाउसपोट करते हैं और दंड बैठक करते हैं आदि दिखाते हैं गोपियों को। और कभी कभी गोपी कहती है नंद बाबा अथाई पे जाएंगे, खड़ाऊ लेके आ बाबा का खड़ाऊ। तो ठाकुर जी नंद बाबा का खड़ाऊ को लेके आते हैं, छाती में लगाते हैं, सिर पे लेके आते हैं, एक खड़ाऊ लाते हैं बाबा के चरणों में धराते हैं, फिर दूसरा खड़ाऊ लेने जाते हैं। ऐसा बड़ा सुंदर लीला, जो ब्रह्मा बड़े बड़े देवता जिनका चरण भी स्पर्श नहीं कर पाते हैं, पाद पीठ को प्रणाम करके चले जाते हैं, भक्तों का खड़ाओं को वे भगवान छाती में लगाते हैं, सिर पे लेके आते हैं। ऐसा भगवान की भक्त वात्सल्य गुण है। और एक दिन एक फल बेचने वाली आई और फल ले रे फल ले रे फल फल ले रे फल। ठाकुर जी बोले मैं तो सबको फल देने वाला, कर्म का फल मैं देता हूं, यहां मुझे भी फल देने वाला कोई कोई है? ठाकुर जी आके देखते हैं तो फल बेचने वाली बोली फल लो। ठाकुर जी बोले फल दो, नहीं ऐसे नहीं मिलेगा, कुछ लेके आओ घर से। तो ठाकुर जी लेके लेने के लिए गए, थोड़ा गेहूं अनाज लेने के लिए गए, लेकिन वो फल बेचने वाली बोली, सोचा मन में मैंने क्यों ऐसा बोला, बड़ा सुंदर मुख दर्शन होता था, अब दर्शन से वंचित होना पड़ता है। मुड़ मुड़ के ठाकुर जी फिर देखते हैं, चली मत जाइयो, इस प्रकार कहते हैं। और अंजलि में थोड़ा गेहूं लेके आए, लेकिन रास्ते में ही सब गिर गया, थोड़ा दो चार गेहूं हाथ में था, उसको ही झाड़ देते हैं, उसके टोकरी में झाड़ देते हैं, दो फल दे। बोले ऐसा नहीं दूंगी फल, मेरे गोद में बैठ के मुझे मैया बुलाएगा तो फल दूंगी। तो फिर ठाकुर जी उसकी गोद में बैठ जाते हैं, दोनों हाथ में गले को पकड़ लेते हैं उसका, फल बेचने वाली को, वो नीच जाति का फल बेचने वाली, लेकिन भगवान तो भाव का भूखा है, और गले में पकड़ लेते मैया मैया फल दे दे मैया, इस प्रकार ठाकुर जी कहते हैं। तो जितना फल सब ठाकुर जी के ठाकुर जी को दे देती है। और जब रास्ते में जाती है
सब फल तो मैंने दे दिया, अभी वजन क्यों होता है? नीचे उतार के देखती तो हीरा मोती माणिक्य में भरा रहता है, उसका टोकरी मोती माणिक्य में ठाकुर जी भर देते हैं। ऐसा ठाकुर जी का लीला है। कहते हैं वो जो फल बेचने वाली कौन थी, राम अवतार में भगवान जब वनवास में गए उस समय शृंगवेत्रपुर में वो जो शबर गुहक चंडाल वो मित्र भगवान का मित्र थे और प्रेम से मिले, मित्र से मिले ठाकुर जी, और ठाकुर जी को वो गुहक शबर बोले, ये जो मेरी जो माता लोगों बैठे हैं खड़े हैं उनमें जो वृद्धा स्त्री है वो मेरी माँ है, मेरी मैया है, मेरी माँ है। ऐसा सुनते ही ठाकुर जी दौड़ते हुए जाते हैं भगवान रामचंद्र भगवान उनके चरण में सिर रख के प्रणाम करते हैं। जिस प्रकार कौशल्या माता को प्रणाम करते हैं उसी प्रकार गुहक चंडाल उनका माँ को भी प्रणाम किया। उसका जो सब गुहक सबर की माँ का हृदय में वात्सल्य प्रेम उमर पड़ा और मन में सोचा अगर छोटा बच्चा होते तो मैं गोद में बैठा था, बड़ा प्यार दुलार करता। इस प्रकार मन में सोचते, लेकिन भगवान तो अभी पूर्ण किशोर रूप में है, वनवास में है। भगवान मन उनको दिया था, उनको बोले थे कि नहीं इस जन्म में तो हो नहीं पाएगा, अगले जन्म में मैं कृष्ण बनूंगा, तुम्हारे गोद में बैठ के तुमको वात्सल्य स्नेह का आनंद दूंगा। इस प्रकार भगवान की बड़ा सुंदर मधुराति मधुर लीला है। और एक दिन कृष्ण बलराम खेलने के लिए यमुना किनारे खेल रहे हैं, बहुत समय हो गया आए नहीं। पहले रोहिणी माता बुलाने गई लेकिन दोनों आए नहीं। फिर यशोदा माँ फिर गई, पुत्र बच्छड़ा यशोदा माँ को बोला, सुखदेव गोस्वामी ने पुत्र बच्छड़ा, यशोदा मैया आई बोली कृष्ण कृष्ण अरविंद तातम एही तनम पिव अलम बिहार खिपकंत पीड़ा संत्रोषी पुत्र को, हे कृष्ण हे कृष्ण हे मेरे कमल नयन, आओ आओ थोड़ा दूध पी लो, भोजन करो, ऐसा बोले नहीं, दूध पी लो, मैं यहीं बैठ जाती हूँ, मेरा स्तनपान करो। अब सुबह से तुम खेलने के लिए आ गए, तुम थक गए बहुत और बहुत समय हो गया, अभी चलो चलो खेल बंद करो, चलो 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 अभी चलो और खेल बंद करो। तो कहते हैं कि ठाकुर जी कहते हैं मैं नहीं आऊंगा, मैं तो खेलूंगा। तो फिर बलराम जी को यशोदा मियाँ बुलाई कि अरे बेटा बलराम आ जा, और तो सबको आनंद देने वाला है, और तेरा पिताजी नंद बाबा बहुत समय से तुम्हारा इंतजार करके बैठे हैं, तुम आने से भोजन करेंगे। इस प्रकार कह के यशोदा मैया कृष्ण बलराम को दोनों हाथ से पकड़ कर लेके जाती है और भोजन करने बैठते हैं। भोजन का लीला, एक ही बड़ा स्वर्ण थाल में और कटोरी में सब्जी आदि रखा जाता है, और नंद बाबा खुद पाते हैं, कभी कभी कृष्ण बलराम को खिलाते हैं। और ठाकुर जी तो बड़े चंचल, कभी कड़ी में हाथ घुसा देते हैं, कभी अन्न में हाथ घुसा देते हैं, और उसी झूठे हाथ से उनको पीठ को पकड़ लेते हैं, नंद बाबा का पीठ को पकड़ के बैठ खड़े हो जाते हैं, कभी गाड़ी में घुमा देते हैं, कड़ी भात सब कड़ी भात बन जाता है। अरे यशोदा तेरा लाला तो बड़ा उदम करता है, मेरा सब कड़ी भात सब लगा दिया सारा शरीर में। यशोदा मैं बोली मैंने तो बोला बोली पहले भोजन कर लो, तुम माने नहीं, बच्चों को नहीं आने से तुमको भूख नहीं लगता है, बच्चों के साथ नहीं बैठने से तुमको भूख नहीं लगता है। इस प्रकार भोजन ठाकुर जी बड़ा सुंदर लीला हो रहा है। और कहते हैं कि
नंद बाबा एक मिर्ची मिट्टी को चावल के अंदर छुपा देते हैं, कभी कभी सबको छुपा के खाते हैं कभी कभी, जैसे कृष्ण बलराम देख ना पाए। तो ठाकुर जी ने देख लिया, मिट्टी देख लिया और आंखों के इशारे में बोलते हैं दाऊ जी को, अरे दाऊ भैया देखो हम तो अच्छा अच्छा चीज खुद खा लेते हैं बाबा छुपा के, हमको तो ऐसा चीज खिला देते हैं अच्छा अच्छा तो खुद खाते हैं। ठाकुर जी इस प्रकार बोल के मुझे थोड़ा वो निकालो खाएंगे हम, बोल रहा हूँ दाऊ जी बोले तुम खुद खा तू, मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर जब नंद बाबा दाऊ जी की तरफ देख रहे थे उस समय पूरा मिर्चा ला के अच्छा चीज सोच के पूरा मुख में दे दिया, पूरा मुख में खा लिया तो इतना जलन हुआ तो नृत्य शुरू हो गया ठाकुर जी का, पूरा आंगन में पूरा रसोई घर में सारा नृत्य किया, आंखों के पानी नाक से पानी आंखों से पानी पूरा उधम मचाया, पूरा नृत्य शुरू हो गया। बोले नंद बाबा बोले क्या हो गया, अभी अभी तो प्रेम से बैठ के पा रहा था भोजन कर रहा था क्या हो गया। तो पता चल गया कि अन्न में देखा मिर्चा गायब है तो ये मिर्चा वही खा गया है। उनको फिर घी बूरा खिलाया गया और फिर इस प्रकार बड़ा सुंदर लीला, कहते भगवान होने पर भी यहाँ मुग्ध है तो नहीं तो लीला नहीं होगा, और बड़ा सुंदर लीला करते हैं। और नंद बाबा सालग्राम जी का सेवा करते हैं, दामोदर सालग्राम सेवा करते हैं, वो सालग्राम तो ठाकुर जी जानते हैं कि घंटी बजेगा भोग लगेगा तो मिलेगा खाने को प्रसाद मिलेगा, इस प्रकार जान करके जाके पहले ही बैठ जाते हैं पूजा के समय पहले ही बैठ जाते हैं और गुलाब जामुन भोग लगाया ठाकुर जी को, नंद बाबा ने सालग्राम को भोग लगाया, आंख बंद करके ध्यान किया उसी बीच गुलाब जामुन खा लिया ठाकुर जी, दो चार गुलाब जामुन खा लिया, आंख खोल के देखा तो गुलाब जामुन गायब हो गया, कहाँ गया गुलाब जामुन। तो फिर उन ठाकुर जी खा गए पता चल गया, अरे जसोदा तेरा लाला तो सब बिगड़ देता है, भोग लगाने से पहले ही खा लेता है झूठा कर लेता है। एक दिन तो ठाकुर जी सोचा अरे इनका जो भोग लगता है इतना मीठा वो ठाकुर कितना मीठा होगा, इनका जो जिनको भोग लगता है वो भोग इतना मीठा है ठाकुर कितना मीठा होगा, वो सालग्राम को ही मुख में भर लिया ठाकुर जी ने, सालग्राम को ही मुख में रख लिया। और नंद बाबा देखा कि तुलसी तो है ठाकुर सालग्राम नहीं है, कहाँ गए सालग्राम, सब और ढूंढा कहीं मिला नहीं सालग्राम। फिर ठाकुर जी का कपूर फुला हुआ था मुख में रख लिया था, फिर ठाकुर जी को पूछा पहले, अरे कन्हैया तूने सालग्राम देखा भगवान को, ऐसा हूँ मुँह खुले नहीं मुख में तो सालग्राम है, हूँ कर रहे हैं क्या, कब से तू मौनी बाबा बन गया, हाँ बोलता नहीं। फिर देखा कपल ऊंचा कपल को देख के जान गया, फिर उंगली हाँ मुख में उंगली डाल के फिर सालग्राम को निकाला, बोले अरे बोल। फिर नंद बाबा भगवान को माफी मांगते हैं, हे भगवान माफ कर दो मेरा लाला को जानता नहीं है, उसको साफ मत दो, इसको साफ मत दो को जानता नहीं है छोटा बच्चा है और इसको कृपा करो प्रसन्न हो जाओ। इस प्रकार बड़ा बड़ा आनंद लीला हो रहा है। कहते हैं कि एक बार जसोदा मैया को बड़ा चिंता हो गया, ये लाला इतना उद्यम करता है क्या करूं क्या करूं। शांडिल्य महर्षि के पास जो कुल पुरोहित है उनके पास गई जसोदा माता, बोली महाराज जी और कुछ उपाय कीजिए, मेरा लाला का बुद्धि कैसे ठीक हो जाए, मेरे लाला का बुद्धि ठीक हो जाए ऐसा कुछ उपाय कीजिए। बोले हे भगवान, शांडिल्य मन में सोचा शांडिल्य ऋषि ने भगवान जिनका जो ब्रह्मा को बुद्धि देने वाले उनका बुद्धि ठीक होने के लिए मेरे पास आए क्या करें, वो लोग तो जानते नहीं वो लीला का आस्वादन हो रहा है। बोले बुद्धि का देवता तो गणेश जी है, गणेश जी है, गणेश जी का पूजा करो तो तुम्हारा बच्चा का बुद्धि ठीक हो जाएगा। फिर शास्त्र में लिखा 1000 लड्डू जो गणेश जी को भोग लगाता है गणेश जी कृपा करते हैं, तो अच्छा अच्छा 1000 लड्डू बनाया जसोदा मैया ने बनाई और थाल में सजा करके
गणेश जी के पास मंदिर में लेके गई। कृष्ण बलराम भी गए थे साथ में, सखा लोग भी गए थे और भोग लगाया गणेश जी को। आंख बंद करके यशोदा मैया ध्यान कर रही है, मेरे लाला का बुद्धि ठीक हो जाए, ये हो जाए। उसी भी दिन ठाकुर जी ने बोला बलराम दाऊ जी को, एक लड्डू हमको दो खाएंगे। दाऊ जी बोले नहीं भाई मैं नहीं दूंगा। तो ठाकुर जी खुद एक खाया, दाऊ जी को दिया, सखा लोगों को भी दे दिया। किसी को कोई बताना नहीं मैया को कि हमने लड्डू चोरी किया, किसी को बताना नहीं। तो ठीक है, तो जब आंख खुली यशोदा मैया, देखा कि ऊपर के जो चोटी में जो लड्डू वो गायब हो गया। कहाँ गया लड्डू? सबको पूछा ना, हम नहीं जानते। कन्हैया को पूछा, अरे तू लड्डू खाया है क्या? नहीं मैं नहीं खाया। सखा लोग हंसने लगे। तो मैया को पता चल गया कि इसने ही ये काम किया है। तो हे भगवान, बड़ा दुख मन में हुआ, कोई पूजा करने नहीं देता इसका बुद्धि ठीक करने के लिए। गणेश जी को भोग लगाया, पहले ही इसने खा लिया, झूठा कर दिया सब। गुस्सा आ गया थोड़ा, एक चांटा लगाना चाहती थी यशोदा मैया। गणेश जी प्रकट होके हाथ पकड़ लिया। गणेश जी बोले, मैया मत मारो, मैंने पा लिया सब, खा लिया, क्योंकि सर्वदेव नमस्कार केशव प्रतिगच्छति, भगवान पा लिया तो अनंत ब्रह्मांड तृप्त हो गए, कोई देवता और तृप्त होना बाकी नहीं रह गया। मत मारो मैया मत मारो, अब मैं प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए तुमको बताओ। बुद्धि ठीक करने के लिए तो पहले सोची थी, अभी वो भूल गई। बोले मेरा मैया, मेरा लाला इतना उद्यम करता है, चोरी करता है, बदमाशी करता है, इसका ब्याह होगा कि नहीं बताइए पहले। ब्याह होगा कि नहीं पहले बताइए, माँ को बड़ा चिंता रहता है ब्याह होगा कि नहीं। मैं यहाँ चिंता मत करो, हजार ब्याह हो जाएगा इसका, हजारों ब्याह हो जाएगा, चिंता मत करो। बोले और बुद्धि कैसे ठीक होगा इसका, बुद्धि ठीक कैसे पढ़ा दो, आशीर्वाद करो बुद्धि ठीक हो जाए। गणेश जी बोले, ऐसा बुद्धि ठीक होगा कि बड़े बड़े विद्वान भी नतमस्त हो जाएंगे इनके सामने। तो भगवान की गीता का ज्ञान दिया है, जो अर्जुन जी को वो गीता का ज्ञान, वो तो सब इसके आगे नतमस्त हो जाते हैं। जो भी इस प्रकार मधुराज मधुर लीला भगवान करते हैं, और ब्रजवासियों ने देखा, नंद बाबा ने देखा, यहाँ पर तो रोज उत्पात होता है। जब से लाला का जन्म हुआ तब से रोज उत्पात होता है, और क्या करेंगे, ये जगह छोड़ के कहाँ दूसरे जगह में चले जाएंगे। सबने सोच रहे थे, ऐसा उपनंद नामक गोप बोले कि मैंने वृंदावन नाम का एक बहुत सुंदर जगह देखा है, और वहां पर चलो, वहां पर बहुत अच्छा है। वनम वृंदावनम नाम पशव्य नवकाननम गोपो गोपी गवासेव्यम पुण्याद्री तृण विबुधम। तो कहते हैं पुण्याद्री तृण विबुधम, वहां पर गोवर्धन पर्वत है और बड़ा सुंदर कानन है, जमुना नदी है, और हमारे गाय के लिए अच्छा अच्छा हरी भरी घास है, वहाँ वृंदावन में चलो, वहाँ पर अच्छा है। इस प्रकार बोले, जहाँ गोवर्धन है तो वृंदावन में गोवर्धन कहाँ? इसका मतलब केवल वृंदावन ही वृंदावन नहीं, ये जो वृंदावन बरसाना नंदगांव गोवर्धन सब बीच में गोवर्धन है, और पंच योजन बताया गया, पंच योजन में बस्ती वनम में देह रूपकम, पंच योजन वृंदावन है। पंच योजन मतलब 60 किलोमीटर वृंदावन है, पूरा वृंदावन में ही जाता है। तो वृंदावन में आए और कृष्ण बड़े बड़े शगड में, इस शगड में बैठा करके वृद्धों को और माताओं को, कृष्ण बलराम और रोहिणी यशोदा माता को भी बैलगाड़ी में बैठा दिया गया, और पहले गायों को आगे करके और बंसी बजाते बजाते बेत्र हाथ में लिए हुए, धनुष तीर लिए हुए ब्रजवासी लोग, सिंगा
बजाते बजाते सब मिलके वृंदावन में गोकुल छोड़ के वृंदावन में आ गए। वृंदावन में आकर अपना अपना बैलगाड़ी रख दिया और अपना अपना जगह बनाकर ब्रजवासी लोग रहने लगे। कृष्ण बलराम को भी बड़ा आनंद हुआ वृंदावन में। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुली नानी चो भिक्षा सिद्ध उत्तमा प्रीति राम माधव नृप। हे नृप, हे परीक्षित, हे जो वृंदावन गोवर्धन यमुना आदि देख करके कृष्ण और बलराम दोनों को बड़ा आनंद लगा, दोनों को बड़ा आनंद लगा और प्रेम से सखाओं के साथ खेलने लगे। ठाकुर जी कभी मेंढक की तरह उछल कूद करते हैं, कभी बंदर की तरह उछल कूद करते हैं और छुपा छुपी खेल खेलते हैं और पत्थर फेंकना आदि, किसका कितना दूर जाता है, एक दूसरे को पकड़ने का अनेक प्रकार का खेल खेलते हैं। कभी हंस की तरह चलते हैं, कभी मोर की तरह नाचते हैं और कभी बैल की तरह एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। कृष्ण बलराम एक बैल की तरह लड़ाई करते हैं, इस प्रकार अनेक बाल्य लीला करते हैं सखाओं के साथ ठाकुर जी। और इसी बीच ठाकुर जी बोले मैया को, मैया मैं गैया चराऊंगा। अभी 4 साल हुए हैं ठाकुर जी, गैया चराऊंगा मैया। मैया बोली अरे तू तो ग्वाल का बच्चा गैया ही चराएगा, ग्वाल की बच्चा क्या करेगा, गैया चराएगा। लेकिन अभी बच्चा है थोड़ा बड़ा हो जा फिर गैया चराएगा। इतना सुनते ही बड़ा दुख लग गया ठाकुर जी को, मुंह लटका के बैठ गए। मैया बोली कोई बात नहीं तो बछड़ा चढ़ा पहले, बछड़ा चढ़ाने का अनुमति मिल गया। और तो बड़ा आनंद लगा ठाकुर जी को और सखाओं के साथ ग्वाल वालों के साथ आसपास में बछड़ा चराने लगे। बछड़ों को घास खाने के लिए छोड़ दिया और आपस में खेल रहे हैं बच्चों के साथ, बड़ा आनंद लीला हो रहा है। इसी बीच एक बच्चासुर नाम का एक असुर बछड़ा का रूप धारण करके आ गया, बछड़ों के बीच रह गया। ठाकुर जी को पता चल गया, जान गए और चुपके से गए, दोनों पैर पकड़ करके घुमा करके केंद्र के वृक्ष में पटक दिया, उसका उद्धार हो गया। और एक दिन यमुना किनारे यमुना जल में बछड़ों को पानी पिलाया, खुद पानी पी रहे थे, उसी समय देखा एक बड़ा बगुला काकर वाला एक बड़ा जीव आया है। तो ठाकुर जी देखकर जान गए वो पुतना का भाई बकासुर था। उसने मन में सोचा मेरी बहन को मारने वाला को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ठाकुर जी को चट करके तुरंत वो लिगल लिया ठाकुर जी को, ठाकुर जी को ही लिगल लिया। तो ये देख करके बलराम आदि चखा लो मूर्छित होके गिर पड़े। लेकिन उसके मुख में ठाकुर जी इतना, उसको लगा मैं कोई आग का अंगारा निकल लिया, क्या बच्चा को निकला या अंगार आग का अंगारा को ही निकल लिया। उसको बड़ा कष्ट हुआ, जलने लगा, फिर बाहर निकाल दिया। फिर ठाकुर जी ने उसका एक चोंच को पैर में, एक चोंच को हाथ में पकड़ के बीच में से ही फाड़ दिया ठाकुर जी ने। बस इस प्रकार बकासुर का भी उद्धार हो गया। एक दिन ठाकुर जी सब सखाओं को बोले, सब अपना अपना कलेवा लेके चलो, हम वहीं वन में ही भोजन करेंगे, किसके घर में क्या बना है मैं देखना चाहता हूँ। तो सखाओं ने अपने अपने मैया को बोल दिया वन में ही आज भोजन करेंगे, अच्छा अच्छा चीज बना के सब लेके गए साथ में। और कहते हैं कि वो मधुमंगल ब्राह्मण थे, उनकी मैया कुछ बना नहीं पाई, बोले तू तो ब्राह्मण है सब तुझको देंगे, मैं बनाऊंगी क्या, तू जा ऐसे ही चले जा। वो सबसे बड़े थे उम्र में मधुमंगल, सखाओं से बड़े थे और कर्नेल का फल पोटली में लेके चले गए।
श्रीदामा राधानी का भाई श्रीदामा वो बेसन का लड्डू बना के पोटली में लेके जा रहे थे और एक एक लड्डू वो मधुमंगल अपने पोटली में रख दिया और कनेल का फल उसका पोटली में रख दिया। ऐसा करते करते सारे लड्डू ले लिया, कनेल का फल रख दिया उसके पोटली में। पता नहीं चला उनको श्रीदामा को। जब अपना अपना पोटली खोला तो देखा कि श्रीदामा का पोटली में तो कनेल का फल। उनको बड़ा रोना आ गया, रोने रोए। कृष्ण बोले रो मत, सबने चिल्ला मधुमंगल में देखो देखो कीरत मैया का लाला है, खाने के लिए घर में कुछ नहीं, कनेल का फल लेके आया। देखो हमारे मैया ने बेसन का लड्डू बना के दिया। तो बोला यही मुझे चोरी करके ले गया। श्रीदामा बोला यही चोरी करके ले गया। इस प्रकार ठाकुर जी बड़े चिंता मत करो, मिलके हम पाएंगे। इस प्रकार भोजन लीला, भोजन किया नहीं अभी, भोजन किया नहीं अभी, अपने पेड़ में लटका दिया डाली में। और सब सखाओं ने देखा कि एक बड़ा पर्वत है, एक पर्वत था, पर्वत का गुहा है ऐसा लगा उनको। सखा लोग बोले ये देखो बड़ा सुंदर पर्वत है, वन का शोभा है, हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं था। वो अघासुर था, बकासुर पुतना का भाई अघासुर, और मारने के लिए कृष्ण को सखाओं को ऐसा अजगर का रूप बना के आया। एक जोजन का लंबा उसका शरीर था, 12 किलोमीटर का। और बच्चे लोगों ने सोचा कि ये कोई वन का शोभा है, ये कोई वृंदावन का शोभा है। देखो देखो सखा लोग देखो ये कैसा सुंदर जगह है, ये एक अजगर जैसा दिखाई देता है ना ये पर्वत। देखो ये जो ये सड़क है वो जिह्वा अजगर का जिह्वा की तरह दिखाई देता है। इस प्रकार सब सखा लोगों ने जान नहीं पाए और अंदर घुसने लगे सब। चलो चलो देखेंगे हम, अंदर जाएंगे वो पर्वत के अंदर, गुहा के अंदर जाएंगे। इस प्रकार सब अंदर जाने लगे, लेकिन ठाकुर जी सोचा ये क्या माया है, सब काल के मुख में जा रहे हैं। एक बोला है रुक जा भाई, रुक जा अभी जाना नहीं, क्यों अगर ये सचमुच अजगर होगा, सचमुच अगर अजगर होगा तो हमको मार देगा, खा जाएगा। एक ग्वाल वाल बोला हमको क्या डर है, हमारा कन्हैया है, क्या डर हमको, डरने की कोई जरूरत नहीं, इतना बड़ा बगुला आया था कन्हैया ने फाड़ दिया, इसको भी इस प्रकार फाड़ देगा, डरने की जरूरत नहीं। सब बच्चों को साथ में लेकर और सखा लोग सब अंदर मुख के अंदर चले गए, लेकिन वो मुख बंद नहीं करता है, कृष्ण को मारना चाहता था। और ठाकुर जी ने देखा सबको रोका, लेकिन कोई सब अंदर चले गए। ठाकुर जी सोचा कि इनका तो अभी मृत्यु हो जाएगा, इनको बचाने का मेरा धर्म है, क्यों एक बार भी जो बोलेगा कि हे भगवान मैं तुम्हारा हूँ, भगवान उनको रक्षा करते हैं। छप्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चाचते अवयम सर्वभूते सु दोदामी एतत् व्रतम मम। भगवान बोले एक बार भी अगर कोई बोलेगा हे भगवान मैं तुम्हारा हूँ तो मैं उनको रक्षा करता हूँ, ये तो ब्रजवासी हम मेरा अपना ही है। ठाकुर जी अंदर, ठाकुर जी भी मुख के अंदर चले गए, वो मुख बंद कर दिया, लेकिन अपना शरीर को ऐसा बढ़ाया ठाकुर जी ने कि उसको श्वास रुद्ध हो गया, अघासुर का श्वास रुद्ध हो गया, सांस लेना मुश्किल हो गया। और ब्रह्मरंध्र को फटा करके उसका प्राण वायु निकल गया। और ठाकुर जी ने देखा सब तो मरे पड़े हैं अजगर के पेट के अंदर, भगवान ने सबको अपने अमृतमय दृष्टि से सबको जीवित कर दिया, सबको लेकर बाहर निकले। और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, सखा लोग बोले हम तो मर गए थे लेकिन कन्हैया ने हमको जिंदा कर दिया। और सखा लोग बोले अरे कन्हैया बहुत भूख लग रहा है जोर से और भोजन करेंगे। तो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी हे परीक्षित,
अघासुर का जब भगवान ने उद्धार किया, एक साल के बाद सखाओं ने अपने अपने घर में जा करके बोले कि आज अघासुर का उद्धार किया कन्हैया ने। परीक्षित महाराज जी ने पूछा एक साल के बाद क्यों बोले, तब सुखदेव गोस्वामी बोले कि सखा लोग अघासुर का उद्धार के बाद सखाओं बोले भूख लग रहा है जोर से भोजन करेंगे, तो सखा लोग अपना अपना पोटली खोले और बीच में ठाकुर जी बैठे हैं जमुना किनारे, और छोटे छोटे सखा पहले मंडली में, उससे बड़े सखा दूसरी मंडली में, इस प्रकार मंडली बना करके भोजन करने लगे और सबको ठाकुर जी का मुख दिखाई देता है, किसी को भी पीठ दिखाई नहीं देता ठाकुर जी को। सब सोचते हैं ठाकुर जी मैं मुझे ही देख रहे हैं, एक कृष्ण मुझे ही देख रहा है, कन्हैया मुझे देख रहा है, ऐसा सब सोच रहे हैं। और एक दूसरे के बातचीत करते हुए, हास प्रयास करते हुए, एक सखा लड्डू लाया था घर से, आधा लड्डू खा लिया। कन्हैया देख देख मेरा मैया ने कैसा सुंदर लड्डू बनाया, तूने जीवन में कभी खाया नहीं होगा। फिर झूठा ठाकुर जी को खिला दिया, और एक पकौड़ी लाया था, पकौड़ी भी खिला दिया, कोई छाछ आधा पी के छाछ पिला दिया कृष्ण को। झूठा खाते हैं, झूठा खिलाते हैं, और हास प्रयास करते हैं। तो उस समय ब्रह्मा जी भी आए थे अघासुर का उद्धार देखने के लिए, ब्रह्मा जी भी आए थे, आकाश में रहकर देख रहे थे लीला। लेकिन जब भोजन का लीला देखा, ब्रह्मा जी ने बोले एक ऐसा भगवान, बड़े बड़े यज्ञ में बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित बड़े बड़े मंत्र के द्वारा जिनको बुलाते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष भोजन करने आते नहीं। ये सखाओं के साथ झूठा खाते हैं, झूठा खिलाते हैं, हास प्रयास करते हैं। भोजन का नियम तो आसन में बैठना है और चुपचाप मौन होके भोजन करना चाहिए, और झूठा नहीं खाना चाहिए, ये तो उल्टा ही सब हो रहा है। ये कैसा भगवान है, भगवान का बड़ा सुंदर रूप है। उस समय जो भोजन का समय बड़ा सुंदर रूप है, बिभ्रग वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणो मसृण कवलम तत्फलानि अंगुलिषु। कहते हैं ठाकुर जी बाम हाथ में, बाएं हाथ में दही भात का ग्रास रखा है और दाएं हाथ में भोजन कर रहे हैं, उंगलियों के बीच में आचार है, अनेक प्रकार फल का आचार है, और वित्र अपने बगल में रखे हैं, और जो उत्तरी को कमर में बांध दिया, एक तरफ श्रृंगी एक तरफ बंसी रखा है अपने कमर में, और अपने बगल में वित्र है, दही भात का ग्रास है बाएं हाथ में, कोई तो कमल 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 के पत्ते में खाते हैं रख के, कोई कोई पत्थर के ऊपर ही खाते हैं सखा लोग, ठाकुर जी हाथ में ही खाते, करपत्री हाथ में ही रख के खाते हैं, और उंगलियों के बीच आचार है, और ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं। ये रूप ब्रह्मा जी ने देखा, बोले ये कैसा भगवान है, ये कैसा भगवान, झूठा खाता है, झूठा खिलाता है, और कोई नियम नहीं भोजन का। तो भगवान की माया से ब्रह्मा जी मोहित हो गए, और परीक्षा करना चाहिए भगवान है कि नहीं, परीक्षा करना चाहिए। ये योग माया है जो बहिर्मुख जीवों को मोहित करता है महामाया, लेकिन अपने परिकरों को मोहित करते हैं योग माया। भगवान की इच्छा से ही ये लीला हुआ है, क्यों, ये जो जितना गोपियां सोचती है मन में, जो सदा का जो हा भाग्य है, हमको भाग्य कब प्राप्त होगा, हम भी कृष्ण को अगर मेरा पुत्र होता मैं तन पान कराता, गोद में बिठा के तन पान कराती। गैया लोग भी, गैया मैया सोच रही है गो माता कि मेरा बछड़ा होते कृष्ण, तो
तो मैं भी गो, मैं भी स्तन पान करा दी, दुग्ध पान करा दी। सबका मन में ये विचार था, और इसलिए अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान की प्रेरणा से योग माया से मोहित हुए ब्रह्मा। कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए महामाया से मोहित हुए, क्यों? भगवान बोले हैं कि चतुर्श्लोक की भागवत है, भगवान कल्प विकल्प नीति करेगी, आप मैं आशीर्वाद करता हूँ तुम कभी मोहित नहीं होंगे। ब्रह्मा जी को आशीर्वाद किया भगवान ने, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि महामाया से मोहित हो गए, योग माया है लीला करने के लिए। ऐसा ब्रह्मा जी के साथ भी खेलना चाहा ठाकुर जी ने, ब्रह्मा जी के साथ भी खेलना चाहा। तो ब्रह्मा जी ऐसा सोच करके जितना बछड़े भोजन कर रहे थे ग्वाल वाल सब कृष्ण के साथ, सखा लोगों ने सोचा अरे कन्हैया हमारे बछड़ा एक भी दिखाई नहीं देता है, कहाँ गए हम देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले तुम मत जाओ, तुम लोग भोजन करो, मैं जाता हूँ ढूंढने के लिए। ठाकुर जी ढूंढने के लिए गए, इधर मिला नहीं बछड़े, लौट के आए तो देखे सखा लोग भी नहीं है, सखा लोग भी एक भी सखा भी नहीं है। तो देखा क्या लीला हुआ है, तो जान गए कि ब्रह्मा जी का ही ये काम है, भगवान जान गए। और अपने ही जितने बछड़े जितने ग्वाल वाल जितने उनका जैसा वेश जैसा स्वभाव जो जितने उंगली में जितना अंगूठी पहने थे जिसका जैसा दंडा जिसका जैसा बंसी श्रृंग और सब ऐसा भगवान ठाकुर जी सब बन गए, जितना बछड़ा जो जिसका जितने बछड़े सब बन गए। और इस प्रकार एक वर्ष तक लीला होता रहा, ठाकुर जी सबको आनंद दिया, अपने अपने पुत्रों को जैसा प्रेम करती थी गोपियां उससे ज्यादा प्रेम किया, क्यों? आत्मा सबको प्यारा है, सबको प्यारा आत्मा है, आत्मा शरीर में है इसीलिए सबको प्रेम करते हैं। आत्मा निकल जाने के बाद शरीर से जब आत्मा निकल जाता है पुत्र ही अपने पिता के मुख में आग लगा देता है, जब आत्मा निकल जाता है तो आत्मा ही सबको प्रिय है, आत्मा का आत्मा परमात्मा है साक्षात भगवान। सब ग्वाल वाल सब बछड़े बने हैं, इसलिए जितना गाय जितना गोपियां बहुत प्रेम करते हैं। एक साल बीतने को थोड़ा कम समय था, एक बार बलराम जी ने देखा, एक बार बलराम जी ने देखा कि पर्वत गोवर्धन पर्वत के ऊपर गोमाता सब घास चर रहे हैं खा रहे हैं, नीचे बछड़े हैं, तो जो गाय सब उछलती हुई दौड़ती हुई कूदती हुई जो रास्ते में आना भी मुश्किल है उसी रास्ते में आकर बछड़ों के पास आ गए। जितना गाय बड़े बड़े बछड़े एक साल के बछड़े को छोटे छोटे बछड़ों को छोड़ करके बड़ों बछड़ों को दूध पिला रही गोमाता, और जितना जो गोप गाय चला रहे थे सब बहुत गुस्सा हो गया, ये बच्चे लोग क्यों लाया बछड़ों को पास में, बछड़े दूध पी लेंगे और दूध नहीं मिलेगा, वो डंडा हाथ में लेके पिटाई के लिए आए, डांटने के लिए पिटाई करने के लिए आए। लेकिन वे भी जब आए उनका भी अपने पुत्रों को गोद में लेकर छाती में लगाते हैं प्रेम करते हैं, बछड़ा भी गोमाता भी बड़े बड़े बछड़ों को प्रेम करते हैं, ग्वाल वाल भी इतना प्रेम करते हैं, मानो गोमाता इतना प्रेम करती है बछड़ों को ऐसा चाटती है मानो फिर से मुख के अंदर ले ले। तो बलराम जी ने देखा ये क्या है, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं था, ऐसा प्रेम कहाँ से आया, प्रेम का बाढ़ आ गया वृंदावन में इतना प्रेम, तो बे ये क्या ये महामाया है, ये कोई देवताओं का माया ये राक्षसों का माया ये क्या है, नहीं नहीं कोई माया तो मुझे मोहित नहीं कर सकता, ये निश्चय मेरी प्रभु का ही माया है। जब आंख बंद करके देखा बलराम जी जितने ग्वाल वाल सखा बछड़े सब ऋषि मुनि दिखाई देते थे सब कृष्ण ही दिखाई देते हैं अभी, जब बलराम जी आंख बंद किया सब जितने बछड़े जितने ग्वाल वाल सब कृष्ण ही है, तब बड़ा विस्मित हुए और ठाकुर जी कृष्ण को आके पूछे हे प्रभु, बलराम जी कहते हे प्रभु ये क्या माया है आपका, ये सब में आप ही दिखते हैं, पहले तो
ऋषि मुनि देवता दिखते थे, अभी सब में आप ही दिखते हैं, ये क्या लीला है। तब ठाकुर जी ने बताया, भैया ये ब्रह्मा जी ने बछड़े गाय चुरा, बछड़े और ग्वाल बाल चुरा करके ले गए हैं, और इसीलिए मैंने एक साल से ऐसा ही चल रहा है। तभी बलराम जी को ज्ञान हुआ कि भगवान का लीला है ऐसा। तो ब्रह्मा जी ने वहां तो देखा कि वृंदावन आके देखा, वैसा ही जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है, उतना ही बछड़े उतने ही गोल गाल बाल। वहां जाके देखा वैसा तो सोए हैं, अपनी शक्ति से सुला दिया सबको, अचेतन कर दिया। यहाँ आके देखे वैसा ही तो असली कौन नकली कौन, ब्रह्मा जी जान नहीं पाए असली क्या है नकली क्या है। तो भगवान चाहते थे तो वही बच्चों को ग्वाल वालों को लेके आ सकते थे, लेकिन भगवान ने लीला करने के लिए ऐसा किया। फिर ब्रह्मा जी को कुछ ज्ञान, दिमाग काम करना बंद हो गया, ब्रह्मा जी का दिमाग काम नहीं किया, ये क्या लीला चल रहा है। तो फिर भगवान की माया के आगे सामान्य पुरुष, कोई महापुरुष को अगर परीक्षा करें चाहे, मोहित करना चाहे, तो वो उसका मूर्खता ही होगा। गुरुदेव शिष्यों को परीक्षा करते हैं, शिष्य गुरुदेव का अगर परीक्षा करेगा तो क्या फल होगा उसका। उसी प्रकार उनका दिमाग काम करना बंद हो गया, ब्रह्मा जी घबरा गए, कुछ चिंतन नहीं कर पाए। भगवान ने कृपा किया उनको, और फिर भगवान ने कृपा किया, फिर वो तो खुद को ही भूल गए, ब्रह्मा जी मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, मैं कौन हूँ ये भी जान नहीं पाए ब्रह्मा जी। इस प्रकार भगवान की कृपा से फिर माया का पर्दा भगवान जब हटाया, ब्रह्मा जी ने देखा अनंत ब्रह्मा अनंत शिव भगवान का स्तुति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और सब चतुर्भुज रूप, जितने बछड़े जितने ग्वाल वाल सब चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्मधारी सब। इस प्रकार जब देखा फिर ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ, बोले हमने क्या किया, भगवान को परीक्षा करने आए थे। फिर अपने हंस बाण से नीचे कूद पड़े ब्रह्मा जी, और ऐसा भी कहते हैं कोई कोई कि ब्रह्मा जी जब नीचे आए थे, ठाकुर जी भी ब्रह्मावन के बैठ गए वहाँ ब्रह्मलोक में, और सबको बता दिया देखो एक नकली आएगा, बहु रूपी आएगा, खुद को ब्रह्मा बोलेगा लेकिन अंदर घुसने नहीं देना। तो ब्रह्मा जी आए, जब ब्रह्मलोक में गए, द्वार पाल ए कहाँ से रुक जा, सब लोगों ने उसको रोक लिया। क्या हुआ, मेरे द्वारपाल मेरे सेवक मुझे ही आने नहीं देते हैं, ए मैं जानता हूँ तू नकली है, चलेगा नहीं, हमारे ब्रह्मा जी अंदर है बैठे हैं, तू कहाँ से आ गया, भाग यहाँ से, ऐसा बोले। तो उनको बाद में अनुभव हुआ नहीं नहीं ये भगवान की ही लीला है। तो भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया ब्रह्मा जी, और चारों मुकुट अग्रभाग चरण में लगाकर दंडवत किया, आठों नेत्र से आंसू बहाया ब्रह्मा जी ने, अभिषेक कर दिया ठाकुर जी का, चरण का अभिषेक कर दिया। वो चौमुहा नाम का एक जगह है, वहां पर ब्रह्मा जी आए थे, और भगवान की बड़ा सुंदर स्तुति किया ब्रह्मा जी ने। हम बाद में श्रवण करेंगे, गुरु बाबा महाराज जी की कृपा होगी तो आगे देखेंगे राधा रानी की जैसी इच्छा। ब्रह्मा जी का बड़ा सुंदर स्तुति है, आगे हम श्रवण करेंगे, और परम पूज्य बाबा महाराज जी कृपा से गुरु गौरांग कृपा से हमने भगवान कुछ लीला कीर्तन किया है, और कथा में कोई त्रुटि विच्युति हो तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और कथा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। मंशा गुरुदर विष्णु कृपा सुन कुछ बता। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, थैंक यू।